बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नुमान हसन और आप देख रहे हैं ऑटो इनसाइट्स। मोस्ट वेटेड बाइक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेवरेट बाइक है जो कि पसंद किया जाता है अपने साउंड की वजह से, अपनी पावर की वजह से, उसका रिव्यू लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद है मुनीम भाई, हम आए हैं मलिक अमान ट्रेडिंग कंपनी पे। अस्सलाम वालेकुम, कुछ ब्रीफ करेंगे इस बाइक के बारे में। सर, ये होंडा ने नया सेल्फ स्टार्ट एडिशन 2024 में निकाला है। अच्छा। इससे पहले जैसे कि आपको पता, क्रोम एडिशन जो सेल्फ स्टार्ट के नाम से जाना जाता था, अब इन्होंने गोल्ड एडिशन इसमें निकाला है और बड़ा जबरदस्त 3 साल वारंटी के साथ। और जो एक प्रॉब्लम आती थी होंडा यूजर्स को, जो किक स्टार्ट यूजर्स हैं, कि 80 से अबव जो स्पीड में आता था होंडा वाइब्रेट बहुत ज्यादा करता था, वो इसमें पांचवा गियर देने की वजह से बहुत स्मूथ हो गया और साउंड भी इस होंडे की कभी चेंज नहीं होती। जितने हमने सेल किया, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया क्लाइंट से और बड़ा हिट एक होंडा का प्रोडक्ट है, जबरदस्त साउंड है इस बाइक की। इसके अलावा 5 गियर के साथ आता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है, पहले भी हम इसका रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन ये बाइक आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। होंडा का कोई भी बाइक आप डीलरशिप से लेते हैं आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन मलिक अमान ट्रेडिंग कंपनी पे आपको होंडा का कोई बाइक लेते हैं या यामा का कोई बाइक लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देंगे। जी जी, सारे हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे। जो भाई हमारे आउट स्टेशन से अक्सर, वो बेचारे सारा प्लान ले गए, फिर जो प्रॉब्लम बनती है, तो सिर्फ रावलपिंडी या इस्लामाबाद से आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको कोई भी बाइक है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे आपको मिलेगा, और वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। हाफ पेमेंट के साथ एडवांस है, तकरीबन 146 इसका एडवांस बनता है और 8 से 9 हजार रुपया किस्त बनती है 2 साल की। वो सारा प्लान हम आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, उस पे आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको इनका व्हाट्सएप नंबर भी शोर होगा, आप इनसे राब्ता करके विजिट करें इनके शोरूम को। इंशाल्लाह यहाँ पे आप कोई भी बाइक और भी पसंद आता है तो वो भी, इस पे काफी इनकी अच्छी डीलिंग है। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मुनीम भाई, इसमें कोई जो फीचर वगैरह वो बताएंगे क्या ऐड किए इन्होंने? जी जी, इसमें सर जी इन्होंने सबसे पहले तो 5 गियर्स हैं, फिर ये सेल्फ स्टार्ट है, फिर इसका जो उनसे वेट ज्यादा किया गया, फ्रेम आप दिखाइएगा करीब से मोटा किया गया, और उसके अलावा जो उनसे इसका मीटर चेंज है और सीट चेंज है और साइलेंसर वगैरह सारा गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। मुनीम भाई, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, बहुत से लोग हमारे कंट्री से बाहर भी देख लेते हैं, वारंटी भी है? जी जी बिल्कुल, इसकी 3 साल ऑफिशियल वारंटी है। अच्छा। और किसी किस्म कोई फॉल्ट की सूरत में क्लेम हो जाता। सही हो गया, क्लेम भी यहाँ पे आपको हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका व्यू, आपको एक इनडेप्थ व्यू देंगे एंड फिर इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारा होंडा CG125 गोल्ड एडिशन। सबसे पहले आपको इसके ग्राफिक स्कीम दिखाते चलें, तो गोल्डन इसकी ग्राफिक स्कीम आती है जिसके बीच में आपको मोटो जीपी ट्रैक वाला इसमें सिग्नेचर इन्होंने दिया, सारा गोल्ड एडिशन लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। तकरीबन 9 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है, 9 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। होंडा का एम्बलम भी गोल्ड के अंदर आता है। इसका फ्यूल कैप वगैरह भी आप देख सकते हैं, पेंट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फिनिशिंग आप सारी पेंट की भी देख सकते हैं। बाकी इसका जो साइड कवर आता है वो टोटली गोल्ड के अंदर आ गया, और ये चमकीला गोल्ड है जो कि एक तरह से क्रोम भी कह सकते हैं, गोल्ड क्रोम का सिस्टम इनमें इसमें दिया है। स्क्रैचलेस, अगर आप इसके ऊपर नाखून वगैरह भी मारते हैं तो इस पर कोई स्क्रैच नहीं आने वाला। इसके साथ साथ अगर आपको मैं इसका सीट का पैटर्न दिखाते चलूँ, तो इसमें जो सीट का पैटर्न है इन्होंने वो भी इस पर चेंज करके दिया है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड वाली सीट आती है और एक क्रोकोडाइल लेदर के अंदर दी गई है। पहले होंडा की सीट अंदर की तरफ से इसके अंदर मेटल यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ किया। मेटल जो है वो पानी लग लग के गल जाता है, आने वाले वक्त में उसको जंग लग जाता है, जिसकी वजह से अब ये वाली सीट आपकी काफ़ी आपको रिलायबल और लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। बाकी इसकी ग्रिप्स के बारे में बात कर ली जाए, तो यहाँ पे आपको ये बाइक सेल्फ स्टार्ट भी ऑफर करता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की ग्रिप मिलेगी, फ्रंट पे आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 2 आपको साइड मिरर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ मीटर के ऊपर बात कर ली जाए, तो ये बाइक आपको स्पीडोमीटर के साथ आरपीएम मीटर भी ऑफर करता है, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर्स की लाइट और न्यूट्रल की लाइट मिलेगी। इसके अलावा आपको इसकी जो कीज़ मिलती हैं वो 2 कीज़ आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं, और 3 ट्यूनिंग भी इसमें फ्री दी जाती हैं, जो कि यहाँ पे आपको इसका सारा कागज़ वगैरह मिल जाएंगे। साथ लेफ्ट साइड पे आपको दिखाते चलूँ तो यहाँ पे लाइट्स ऑन ऑफ की ऑप्शन है, पार्किंग का बल्ब है, हेडलाइट का बल्ब है, जिसके साथ साथ डिपर की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये काफ़ी बेनिफिशियल है, जो कि आजकल हमें बाइक के पीछे मिलता है पासिंग बटन, लेकिन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। 10 सिग्नल्स हॉर्न की ऑप्शन दी गई है। अब इसके हैंडल के ऊपर बात कर ली जाए, तो इसके अंदर आपको क्रोम का हैवी हैंडल मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं यार स्पोर्टी हैंडल होना चाहिए, लाइट वेट, लेकिन उसका सिस्टम होता है जब आपका बाइक गिरता है तो सारा वजन हैंडल के ऊपर आ जाता है, और हैंडल जब है वो बेंड हो जाता है लाइट वेट, और आपका सारा जो फ्रेम है वो टूट जाता है। ये इसमें एक होता है कि होंडा में इसलिए इस तरह का हैवी मेटल हैंडल प्रोवाइड करता है। फ्रंट से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रेक्टेंगल वाली लाइट मिलती है। इसका जो मीटर का फ्रेम है सारा प्लास्टिक के अंदर आता है। इस बाइक के अंदर आपको थोड़े बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ 10 सिग्नल मिलेंगे, जिनका जो ओवरऑल फ्रेम है वो सारा व्हाइट के अंदर करती है। इनके अंदर आपको येलो बल्ब मिलेगा, बाकी जो हमारे जितने भी बाइक्स होती हैं उनके अंदर आपको ऊपर से ऑरेंज फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से जब वो ग्लो करता है बल्ब तो वो ऑरेंज लुक देता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे लुक मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको नीचे गोल्ड का यहाँ पे एम्बलम मिलेगा, ये भी चेंज कर दिया है, जिसके साथ साथ शॉक्स के साइड पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। शॉक्स के फ्रंट पे आपको सस्पेंशन दिखाता चलूँ तो अपसाइड डाउन सस्पेंशन दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रोम का मड गार्ड दिया गया है,
मड गार्ड की फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं। बहुत से लोग इसके मेटल बॉडी की वजह से इसको पसंद करते हैं। फ्रंट पे आपको दिखाते चलूँ तो 2.75x18 इंच के इसमें आपको स्पोक्स वाला रिम दिया गया है। पहले जो इसके ड्रम आते थे सारे ये पेंटेड नहीं होते थे, अब इसके अंदर आपको सिल्वर पेंट के साथ दिए जाते हैं। इसका रिम आप देख सकते हैं 18 इंच का आपको यहाँ पे स्पोक्स वाला रिम मिलेगा और 2.75 इसकी प्रोफाइल है। आपको ये दो तरह के पैटर्न में मिलता है, एक टायर इसमें सर्विस का भी यूज़ किया जाता है और पैंथर टायर भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। फ्रंट पे आपको मैं इसका अगर लुक दिखाते चलूँ टायर का पैटर्न वगैरह वो भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात कर ली जाए तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने में मिलती है। काफ़ी हद तक उम्मीद है कि होंडा में आने वाले डिस्क ब्रेक भी प्रोवाइड कर दे। यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा साइड लॉक। ओवरऑल इसका मेटल फ्रेम आपको दिखा दिया जाए तो इसका थिक मेटल फ्रेम है। यहाँ पे इसका जो इंजन दिया गया है वो 5 गियर्स के साथ आता है। सेल्फ स्टार्ट भी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपको फ्यूल का इग्निशन मिलेगा। इसके साथ साथ ये कार्बोरेटर बेस्ड इंजन दिया गया है। बैक साइड पे आपको कार्बोरेटर मिलेगा जिसके साथ साथ चोक भी आपको नीचे ही मिलती है। सेल्फ स्टार्ट इस बाइक के अंदर पहले बहुत से इश्यूज आते थे लेकिन इसके अंदर कहने को सुनने को मिलता है कि बैटरी अच्छी यूज़ की गई है तो सेल्फ की जो कैपेसिटी है वो अच्छी आ गई है, आपके बाइक सेल्फ इजीली उठा देता है। यहाँ पे इसके इंजन की बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त होंडा ने शुरू से अपने मियार को रखा है। नीचे आपको यहाँ पे 5 गियर देखने में मिलेंगे। ये बाइक 5 फॉरवर्ड आता है, 5 गियर आगे की तरफ लगते हैं। यही खासियत है कि बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप वाइब्रेशन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होती। बाकी ओवरऑल इसके इंजन में अभी तक फिलहाल बैलेंसर शाफ्ट नहीं दिया गया। आने वाले वक्त में होंडा से उम्मीद है कि वो बैलेंसर शाफ्ट दे जिस तरह के 150F में दिया जाता है। इस बाइक के अंदर आपको डुअल स्टैंड मिलते हैं, एक डबल स्टैंड मिलता है और एक सिंगल स्टैंड दिया जाता है। बैक साइड पर फुटरेस्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल प्लेन है। अगर आप चाइनीज़ बाइक लेते हैं उनमें आप देखते होंगे इस तरह क्वालिटी वगैरह थोड़ी कम आती है। बाकी इसका जो चेन कवर है उसमें आपको थोड़ा थिक मेटल मिलता है। जिसका सिंपल मॉडल आता है उसका चेन कवर थोड़ा थिन आता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा थिक चेन कवर दिया गया है। रेयर सस्पेंशन के ऊपर बात कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्रोम की सस्पेंशन मिलती है जिसके अंदर तकरीबन आपको 7 स्प्रिंग्स दिए गए हैं जिसकी आप एडजस्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी इसकी जो सस्पेंशन है वो इसकी सीट के मुताबिक इसकी पावर के मुताबिक काफ़ी ज़बरदस्त है। इस बाइक के अंदर आपको बैक साइड पर 17 इंच का रिम मिलता है, फ्रंट साइड पर 18 का मिलता है। यही बात है कि बाइक पीछे थोड़ा डाउन हुआ मिलता है और इसकी जो टॉप स्पीड है उसके ऊपर इंक्रीज आपको मिलता है। बैक साइड पर इसकी जो प्रोफाइल है वो 3.00 की आती है और 17 इंच का इसमें रिम दिया गया है। इस बाइक के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ दो पैटर्न आती हैं, ये सर्विस कप टायर का पैटर्न है, एक पैंथर टायर आता है। बैक साइड पे इसका जो मड गार्ड है वो भी क्रोम में मिलेगा, मेटल आता है। बैक साइड पे आपको यहाँ पे थोड़ी सी दुमची दी जाती है जिसको अपनी जुबान में हम दुमची बोलते हैं, वैसे इसको मड फ्लैपर भी कह सकते हैं। नीचे नंबर प्लेट लगाने की ऑप्शन मिलती है। बैक साइड पर जो इसकी लाइट है वो शुरू से होंडा हम इस तरह की प्रोवाइड करता है। सीट पर भी होंडा लिखा हुआ है, बैक पर सेम टर्न सिग्नल और यहाँ पर आपको इसका क्रोम जो है कैरियर मिलता है। इस बाइक के अंदर जो सिलेंसर है वो साउंड इसकी अभी तक वैसी प्रोड्यूस होती है लेकिन इसमें ब्लैक कोटेड सिलेंसर दिया है जिसके ऊपर जो पतरी आती है वो गोल्डन कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको मैं ब्रेकिंग सिस्टम दिखाता चलूँ। बैक साइड पे इसका ड्रम था सारा पेंट कर दिया है, ड्रम ब्रेक दी जाती है। इसके अलावा एक फुटरेस यहाँ पर दिया गया है। इसका मेटल फ्रेम आप ओवरऑल अपनी स्क्रीन में देख सकते होंगे। इसके जो सिलेंसर की साउंड है वो काफ़ी एक बीम वाली साउंड है जिस तरह के धाड़ता है ये बाइक, काफ़ी खूबसूरत साउंड प्रोड्यूस होती है। क्रोम की पतरी आती है पहले यहाँ पे अब लेकिन इसको गोल्ड कर दिया है जो कि इसकी लुक है उसको भी इन्हेंस करता है। इसके साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको किक भी दी जाती है। सर्दियों में बहुत से लोग कहते हैं यार सेल्फ स्टार्ट अगर बाइक खड़ा कर दो 10 दिन तो नहीं उठाता, बैटरी डाउन हो जाती है, उसकी वजह से आपको किक दिया है कि किक से आप इसकी बैटरी को अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि इसकी बैटरी को चार्ज कर देते हैं जब बाइक स्टार्ट होता है, तो उससे आप यह है कि किक से स्टार्ट करें और बाद में अपनी बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल इस बाइक के अंदर आपको मैं इंजन की फिनिशिंग तो पहले दिखा चुका हूँ, इसकी स्पीड और फ्यूल एवरेज के बारे में बात कर ली जाए तो ये बाइक आपको तकरीबन 45 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करता है जिसके साथ साथ इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर है वो हर बंदे को पता ही है। यहाँ पे आपको ब्रेक पैडल मिलेगा। ओवरऑल इस बाइक का ये रिव्यू था। इस बाइक में कोई इस तरह की कमी नहीं है जो कि एक सिंपल बाइक में होनी चाहिए। पाकिस्तान का एक नेशनल बाइक है एंड इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे और इंस्टॉलमेंट के बारे में मुनिमा से बात करते हैं। जी तो व्यूअर्स, दिस वाज द रिव्यू ऑफ होंडा CG125 गोल्ड एडिशन 2024 मॉडल। उसकी प्राइस के बारे में मुनीम भाई क्या बताएंगे? ये सर 292,900 का है यानी 100 रुपए कम, 2,93,000 का। सही है। और ये जो है आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। सही है। और क्योंकि कम इसकी प्रोडक्शन होती है, लिमिटेड सप्लाई है तो बहुत ज्यादा भी हुआ तो 3 दिन की बुकिंग में हम आपको सही ये बाइक प्रोवाइड करेंगे और 90% ऑन द स्पॉट इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। तो इनके पास आप देख लें कितने मतलब आपको बेनिफिट मिलते हैं। बाकी अपने एड्रेस के बारे में कुछ बता दीजिए। जी जी, एड्रेस सर ये रावलपिंडी में वारिस खान मेट्रो स्टेशन के साथ मोटरसाइकिल मार्केट है, इधर मलिक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से हमारा शोरूम है और आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हम आपको करंट लोकेशन भी भेजेंगे। बिल्कुल। बाकी मैं इसकी पेमेंट का आपको बता दूं, 2,93,000 अगर आप कैश पे लेते हैं, 1.5 लाख रुपए आपने एडवांस देना अगर आप इंस्टॉलमेंट लेते हैं, बाकी आप 2 साल की ओपन इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ओपन लीज है, आप जब मर्जी लीजिए। जबरदस्त हो गया। यहाँ पे रिव्यू कमेंट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।